नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शायद चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ ऑर्डर सीक्वेंस का पार्ट टू। पार्ट वन मैंने आपको बता दिया था और आप उस पर खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और आज पार्ट वन में मैंने आपको एक लंब क्रम व्यवस्था और रेखी क्रम व्यवस्था मैंने बताया था, और एक पार्ट उसका बचा था स्थान क्रम व्यवस्था। तो आज मैं उसी के बारे में चर्चा करूँगा। स्थान क्रम व्यवस्था को बताने के पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों को भी पहुँचाइए, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं ऑर्डर सीक्वेंस पार्ट टू, स्थान क्रम व्यवस्था। इससे क्वेश्चन दोस्तों आता जरूर है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको बहुत ही आराम से देखेंगे, ध्यान समझिएगा इसको और विद ट्रिक के साथ, ठीक है ना। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन ये दे रहा है कि 40 छात्रों की कक्षा में, मतलब 40 छात्रों की कक्षा है, कोई क्लास है, उसमें विजय का क्रम ऊपर से 20वां है। विजय का क्रम ऊपर से 20वां है तो बताइए कि उसका क्रम नीचे से कितना होगा। तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, एक ट्रिक है इसकी। जब आपको गिवन रैंक फ्रॉम वन साइड एंड आस्क यू फ्रॉम अनदर साइड, तब इसके लिए होता है टोटल नंबर इक्वल्स टू एल माइनस आर प्लस वन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक तरफ से रैंकिंग दी हुई है और उसी व्यक्ति का रैंकिंग आपको दूसरे तरफ से पूछ रहा हो, तो आप क्या लगाओगे, L माइनस आर प्लस वन, चाहे वो ऊपर हो चाहे दाएं बाएं कुछ भी होगा, आप ऐसे आप यही लगा देंगे। तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे, L की जगह आप रख दीजिए 40 माइनस 20, R की जगह लिख दीजिए 20 एंड प्लस वन। तो 40 में से 20 का कितना आ जाएगा 20, और 20 प्लस वन कर देंगे कितना हो जाएगा 21। इसका मतलब ये हुआ कि 40 छात्रों की कक्षा में अगर विजय का क्रम ऊपर से 20वां है तो उसका क्रम नीचे से कितना हो जाएगा, नीचे से हो जाएगा 21। तो क्लियर हुआ कैसे होगा, आपको क्या याद रखना है, जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा गिवन रैंक फ्रॉम वन साइड एंड आस्क यू फ्रॉम अनदर साइड, कहने मतलब एक साइड की रैंकिंग आपको दे रखी हो और दूसरे साइड की रैंकिंग पूछ रही है, तो आप क्या लगा देंगे, एल माइनस आर प्लस वन, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वृक्षों की एक पंक्ति, एक वृक्ष दोनों सिरों से दसवां है, मतलब वृक्षों की एक कतार है, एक वृक्षों की एक पंक्ति है, उसमें एक वृक्ष जो है वो दोनों सिरों से, मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी कितना है, दसवां है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। अब देखिए नया तरह का क्वेश्चन आ गया, टाइप टू प्रकार का। तो इसमें देखिए आपको क्या रखना है, इसमें एक ये ट्रिक है कि जैसे कि आपको गिवन रैंक फ्रॉम बोथ साइड एंड आस्क यू टोटल नंबर, ठीक ना। अगर आपको इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से क्या है, दसवां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं, कुल मतलब कि टोटल नंबर कितने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेड़ कितने हैं, वृक्ष कितने हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो उसमें क्या है, जब आपको गिवन रैंक फ्रॉम बोथ साइड आपको दिया रहा हो, मतलब कहने मतलब ऊपर से भी नीचे से भी लेफ्ट से भी राइट से भी दे रखा हो और आपसे टोटल नंबर पूछ रहा हो। बट पहले वाले सवाल में क्या हो रहा था, आपको विजय का क्रम ऊपर से दिया था, नीचे से निकालना था, तो वहां आपने एल माइनस आर प्लस वन कर दिया था, यहाँ आप क्या कर देंगे, एल प्लस आर माइनस वन कर देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, 10 है ना, तो 10 क्या है, 10 जो है दोनों सिरों से लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो 10 प्लस 10 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 20 माइनस 1 यानी कितना हो गया 90, क्या हो गया 90। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है, पहले क्वेश्चन देखिए फिर अगले क्वेश्चन देखिए कैसे हल्का सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आपको बस यही पकड़ के चलना है और इसी टाइप के जम के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। आइए एक अगला टाइप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला है देखिए, नेक्स्ट टाइप है, यदि विजय को
यदि विजय को लगता है कि यह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 25वां है, दाएं से 25वां है और यह बाएं से 15वां है, बल्कि है क्या, उसको लगता है कि वो क्या है, दाएं से 25वां है, पर कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि हकीकत है कि वो बाएं से 15वां है, तो कितने लड़के और जोड़े जाएं कि कुल लड़कों की संख्या 50 हो जाए। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या है, यहां तक तो आप बहुत आराम से, यहां तक आपको क्या करना है, यहां तक आपको देखिए इसमें प्रश्न को समझिए, यहां पे तीसरा टाइप ये बोल रहा है कि विजय को ऐसा महसूस हो रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 25 है, पर है हकीकत क्या है कि वो 15वां है, मतलब उसकी रैंकिंग जो है दोनों तरफ से क्या है, दे रखी है। तो जब रैंकिंग दोनों तरफ से दे रखी होती तो यहां मैंने क्या लगाया था, हमने आपको यहां बताया था एक ट्रिक कि गिवन रैंक फ्रॉम बोथ साइड का, गिवन रैंक फ्रॉम बोथ साइड, तो बोथ साइड का मैंने आपको ट्रिक बताया था, एल प्लस आर माइनस वन मैंने आपको बताया था, तो बस उसमें यही करना है। आप देखिए 25 प्लस 15 माइनस 1, तो 25 और 15 जोड़े कितना हो गया 30 41, 40 माइनस 1 कितना हो गया 39, आपने यहां तक तो लगा दिया, बट लास्ट में कंडीशन क्या बोला, तो कितने लड़के और जोड़े जाएं, तो कितने लड़के और जोड़े जाएं कि कुल लड़कों की संख्या 50 हो जाए, तो 39 में कितना जोड़ दें कि 50 हो जाएगा, तो 39 में अगर हम 11 जोड़ दें तो देखिए 50 हो जाएगा, तो इसका मतलब सही उत्तर क्या हो गया हमारा 11 हो गया, क्या हो गया 11, क्लियर हुआ। तो देखिए हमने आपको तीन सवाल बताया और तीन तरह के सवाल बताए, देखिए इसमें कितना कैसे कैसे चेंजेस आ रहा है, आइए और आगे बढ़ते हैं। अब आपका काम क्या है, आप तीनों टाइप पे 5-5, 6-6 सवाल आप लगाएंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, अगला टाइप देखिए क्या बोल रहा है कि लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें तथा लीना दाएं से 9वें स्थान पर है, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है, तो बताएं कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अगला जो टाइप है वो क्या है, एकदम कॉमन सेंस पे है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो भी मैंने बेसिक अभी कॉन्सेप्ट बताया उसको इम्प्लीमेंट करके इसमें चलना है चौथे टाइप पे, ठीक है ना। तो देखिए एक कतार ऐसे आप बना लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एक ऐसे देखिए एक कतार ये ऐसे सीधा सीधा आप बना लीजिए, ठीक है ना। अब ये आप कतार बन गई है, तो लड़कियों की कतार में सीता बाएं से 7वीं है, अब देखिए यहाँ से बाएं से चलिए, यहाँ से तो बाएं से मान लीजिए 7वां स्थान ये है इसका, मान लीजिए 7वां, इसके बाद क्या रहा है, तथा लीना दाएं से 9वें स्थान पर है, तो लीना है मान लीजिए लीना है यहाँ से दाएं से 9वें स्थान पर है, ये हो गया 9, ये हो गया 9, तो ये हो गया आपका सीता और ये हो गई आपकी लीना, सीता और लीना, लीना, ठीक। चलिए भाई ये तो पोजीशन उसकी दे दी थी, अब ये क्या कह रहा है, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर जाती है। अब देखिए अब सीता भी यहाँ शुरू में कहाँ थी, 7वें स्थान पे थी ना, पर अब क्या हो जा रही है 11वें स्थान पे, मान लीजिए बाएं से लेफ्ट से सीता कहाँ चली जा रही है 11वें स्थान पे, ठीक। अब हमसे क्या कह रहा है, तो बताइए कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो बताइए टोटल कतार तो यही है ना, 7 है 9 है, बट बीच का हमको नहीं ना पता क्या है, अगर ये बीच का नंबर हमको पता चल जाए तो तीनों को जोड़ के हम पता काउंट कर लेंगे कुल कितनी लड़कियां हैं, तो ये कैसे निकलेगा। अब देखिए आप गौर से देखिए 7 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है, 7 11 4 का डिफरेंस, क्योंकि 7 4 क्या होता है 11, बट ये जो है ये चीज देखिए, ये चीज ये होगा 3 प्लस 1, 1 क्या है यहाँ पे, जो चौथा कौन है, चौथा है सीता है ना, तो हम क्या लेकर चलेंगे 3, ठीक है ना। तो अब देखिए जोड़िए 7 3 10 और 9, तो 7 3 10 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, अर्थात कतार में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है 19 है, क्लियर हुआ। फिर से समझिए, सीता बाएं से 7वें स्थान पर थी और लीना दाएं से 9वें स्थान पर थी, अगले में क्या होता है, दोनों का क्या होता है चेंज होता है, स्थान चेंज होता है, तो क्या होती है सीता जो है लेफ्ट से 11वें स्थान पर चली जाती है, तो हमसे पूछा है कि कतार में पूरे कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो यहाँ 7 है यहाँ 9 है, अगर बीच का अंक पता चल जाए तो तीनों को जोड़ के निकाल लेंगे ना, तो देखिए तो 7 ये हो गया, अब 7 में क्या जोड़ा जाए 11 जाए 4 जोड़ा जाए, पर 3 ये 7 3 10
और 11वां तो सीता ही है ना, तो उसको थोड़ी लेंगे, 11वें पे तो सीता बैठी हुई है, तो चार अगर है तो उसे एक पहले का अंक ले लिया जाता है, यानी 7 3 10। अब देखिए 7 3 10 और 9 तो जोड़ लीजिए, 7 3 और 9 तो टोटल कितना हो गया 19। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको, इसके लिए आप एक एक इमेज आप तैयार कर लीजिए अपने दिमाग में, इस तरह क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है ना, खासकर UP SSSC में पूछा गया है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको 4 सवाल बताया और 4 सवाल में भी देखिए काफी आपको, देखिए हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आपको मिला है। आइए लास्ट सवाल देखते हैं, 5वां, देखिए इसमें क्या अंतर देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। छात्रों की एक कतार में विजय बाएं से 9वें स्थान पर है। आइए ऐसे बना लीजिए कतार, बस आपको जो दिया जाए उसका बस इसमें इंप्लीमेंट करना, कुछ नया नहीं करना। कतार में विजय बाएं से 9वें स्थान पर, तो मान लीजिए विजय बाएं से ये 9वां आप यहां बना लीजिए, 9वां स्थान, ठीक, ये हो गया विजय। तथा शंकर दाएं से 6ठे स्थान पे है, तथा शंकर जो है वो दाएं से 6ठे स्थान पे है, ये हो गया आपके शंकर दाएं से 6ठे स्थान, ठीक। जब ये अपना स्थान बदल लेते हैं तो विजय बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है, तो बताएं शंकर दाएं से कितना है। तो देखिए अब यहां पे अंतर क्या मिला, देखिए इससे पहले आपसे यहां पूछा गया था कि बताएं कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना था, बट यहां पे क्या बोला कि स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद जब विजय बाएं से 15वें, मान लीजिए अब विजय ही तो था, अब विजय अगली कंडीशन क्या होगा, यहां स्थान परिवर्तन होगा तो विजय बाएं से क्या हो जाता है, ये 15वें स्थान पे हो जाता है, कितने स्थान पे, 15वें स्थान पे हो जाता है। तो अब हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि विजय बाएं से अगर 15वें स्थान पे हो तो बताएं शंकर अब दाएं से कितना होगा, मतलब कहने का मतलब ये शंकर की बात हो रही है, अब ये दाएं से बताइए अगर ये 15वें स्थान पे यहाँ पे है तो दाएं से कितना होगा। तो अब आपको क्या करेंगे, अब इसमें देखिए नया है ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा था, बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपको शंकर की पोजीशन पूछ ली है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, देखिए फिर वही है, कुछ नया नहीं करना है, पहले देखिए कतार में कुल कितने हैं, 9 है और यहाँ 6 है, अगर ये बीच का पता चल जाए तो काम बन जाएगा। देखिए 9 15 में कितना अंतर है, 6 का अंतर है ना, और मैंने आपको क्या बताया था, ये मैंने आपको बताया था 5 आप लोग, क्योंकि 6 है तो 5 ले लिया, ठीक है ना, 5 होता तो 4 ले लिया, वहां 4 था तो 3 ले लिया था, क्यों, क्योंकि चौथा स्थान वहां पे सीता थी खुद ना, इसी तरह से छठे पे यहाँ पे कौन है, विजय, छठे पे यहाँ पे कौन है, विजय है, ठीक है ना। अच्छा तो ये हो गया आपका, अब देखिए 6 5 11, अब हमको क्या बताया, शंकर बताना है, तो ये शंकर की पोजीशन ये, तो यहां से उठाते हैं तो 6 5 11 और 12वें पे बैठा है कौन, 12वें बैठेगा शंकर, अर्थात 6 प्लस 5 प्लस नेक्स्ट पोजीशन क्या है, शंकर की, शंकर की, अर्थात 6 5 11 और 1 12, तो क्या पोजीशन होगी दाएं से उसकी, 12वीं पोजीशन। क्लियर हुआ, दोनों में अंतर आपने समझा, यहां पे टोटल नंबर निकालना था, यहां पे पोजीशन निकालना था, ये दोनों ही मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है UP SSSC को फोकस करते हुए, दोनों ही सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस पे एक इमेज उसकी दिमाग में आप बना लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया इसमें कुछ नहीं करना, बस खाली आपको कंडीशन फॉलो करनी है, कंडीशन पे रख के निकाल देना, ठीक है ना। चलिए अब आपको मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। आपको एक ऐसी वीडियो लगी आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगी आप हमसे वीडियो में आप कमेंट करके बताते रहेगा। धन्यवाद।